हेलो गाइस, कैसा सभी लोग। होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारा फ्री फायर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। जैसे कि भाई लोग, मैं आपको बताऊँगा हमारा फ्री फायर का अपकमिंग भाई वीडियो डिवील के बारे में, जो आप लोगों को क्या बंडल देखने मिलेगा, क्या क्या उसमें रिवॉर्ड देखने मिलेगा उसके बारे में। साथ ही भाई लोग, एक और वीडियो डिवील आएगा हम लोग, मतलब दो साथ वीडियो देखने मिलेगा उसके बारे में बताऊँगा। साथ ही आप लोग को इमोट देखने मिलेगा उसके बारे में बताऊँगा। और साथ ही भाई लोग, आप लोगों को आज हमारा फ्री फायर में मोको का आप लोगों को रॉकस्टार वाला इवेंट देखने मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को मेन उसका इमोट देखने मिल रहा है, तो वो आप लोगों को इमोट जो है तो आप लोगों को कैसे मिलेगा, टोटल उसमें कितना डायमंड लगेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आ रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर, जैसे आप लोगों को पता है। आप लोग अगर जैसे सब्सक्राइब कर गए तो आप लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेगा सबसे पहले। तो अगर सबसे पहले बात करें तो आपको बताऊंगा, आप लोगों को पता है कि फ्री फायर में जो इवेंट आ चुका है उसके बारे में बताता हूँ। तो मतलब इसका यहाँ पर फुल नेम देखो, यहाँ पर ऑल इन कंट्रोल रिमोट करके इसका नाम है। और यहाँ पर नाउ इवन है, हाँ तो रॉकर स्टार है, तो यहाँ पर अवेलेबल इन साइबर रॉकर स्टार। तो इसका ये इवेंट देख लो 13 से लेकर 19 सितंबर तक चलेगा। तो मतलब चल रहा है, आप सभी को यहाँ पर इतना सारा रिवॉर्ड देखने मिल रहा है। तो ज़्यादातर बंदे को भाई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, खाली एक रिमोट चाहिए। तो ये रिमोट और भाई अगर इसमें नहीं निकला आपका तो मतलब इसमें चांस रैंडमली आप लोग निकल सकते हैं रिमोट सस्ता में, लेकिन अगर नहीं निकला तो आपको टोटल शायद आप लोगों को 700 से 800 डायमंड शायद लगने वाला है। अगर आप टोटल सारा लेना चाहते हो तो मतलब 800 आप लोग समझ जाओ कि अपना अप्रॉक्सीमेट वहीं पकड़ के रखो कि आप लोग को 800 के आसपास डायमंड लगने वाला है। इतने में आपको अंदाजा के हिसाब से बता दिया, जरूरी नहीं 800-700 भी आप लोग को लग सकता है आप लोग के लक के हिसाब से। आगे हमारा नेक्स्ट फाइनल विल तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये होने वाला है फैंटम माइक्रो जैक नाम है इस बंडल का। और इसके साथ हम लोग यहाँ पर न्यू इमोट भी देखने मिलेगा, इसका नाम डीबगिंग रहेगा। और ये चलेगा हम लोग का 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक चलने वाला है। तो ये बिल्कुल ही कंफर्म डेट है भाई, आप लोगों को देखने मिल जाएगा। और ये हम लोग को जैसे कि हमको डेट बता दिया है इसका, और इसका नाम रहेगा मोको रिबर्थ जैसे कि यहाँ है। और इस बंडल का आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, और यहाँ पर इस पीरियड में आप लोगों को दोनों चीज़ देखने मिल रहा है, पहला एक बंडल और दूसरा ये इमोट। तो ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो अब लगे बंडल हो गया नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। तो भाई हम लोग आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग ये जो देख रहे हो, ये इमोट जो हो रहा है, तो आप लोग सोचोगे ये क्या है। तो ये है हमारा OB30 अपडेट के इमोट। इस इमोट का नाम होने वाला है वैगर इमोट ऐसा कि कुछ है। और ये इमोट में आप लोगों को मिस्टर वैगर जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है इमोट करते हुए साथ में, तो आप लोग इसका नाम ही यही होने वाला है वैगर इमोट। तो ये होने वाला है हमारा OB30 का फर्स्ट इमोट। तो हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगा आगे का इमोट सब के बारे में, और भी इमोट मैं आपको रिव्यू करा दूँ तो लगभग मैं आपको शायद सभी इमोट शायद रिव्यू करा दूँगा। तो हमारा जो दूसरा इमोट है तो ये है, आप लोग ये देख रहे हो। तो ये इमोट तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पर्सनली बता रहा हूँ ये इमोट जो ये काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा लग रहा है। तो इसमें आप लोगों को मोको है, लेकिन इसमें आप लोग अपना कोई भी एक्टर लगा सकते हैं इसमें, खास करके जैसे आप लोग टीजे आलोक जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है सब कैरेक्टर। बाकी आप लोग अगर क्रोनो लेगा तो क्रोनो भी लेके जाओ तो काफ़ी अच्छा लगेगा उसके साथ ये इमोट। तो ये इमोट भी काफ़ी अच्छा, पीछे इसका लुक है भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इमोट, तो हमारा नेक्स्ट इमोट जो है ये है, ये वाला ये भी इमोट जो है भाई, तो इसका भाई मतलब भाई क्या ही बोले, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये बोया 2.0 के शायद थीम पर बेस्ड है यहाँ तक मुझे पता है। इस इमोट का आप लोग देख रहे हो भाई, एनिमेशन और लुक देखो भाई, मतलब कि ये डांसर जैसा कुछ ये आप लोगों को इमोट देखने को मिल रहा है। तो ये इमोट कैसा लगा भाई लोग मुझे कमेंट से बताना। आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इमोट के ऊपर, तो आप लोग ये जो देख रहे हो ये हमारा नेक्स्ट इमोट। तो ये भी इमोट भाई म्यूज़िक के थीम पर बेस्ड है। तो भाई मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा OB30 में कुछ म्यूज़िक के साथ कोलैबोरेशन या फिर म्यूज़िक के साथ कुछ हम लोग इवेंट्स, कुछ बड़ा इवेंट देखने मिलेगा। क्योंकि ये सारा इमोट जो दिख रहा है सारा म्यूज़िक से रिलेटेड आप लोग देख रहे हैं, कोई डिस्को वाला कोई डांस वाला आप लगा रहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो आगे बात करते हैं हमारा एक और इमोट। तो ये भी जो इमोट देख रहे हो, तो ये भी इमोट मतलब डांस से भी रिलेटेड ये भी इमोट लग रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग क्या लगता है भाई लोग, आप लोगों को कुछ यहाँ पर हम लोग कोलैबोरेशन देखने मिल रहा है या नहीं देखने मिल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों से हो सकता है हम लोगों का नेक्स्ट कोलैबोरेशन कुछ म्यूज़िक के साथ हो, या फिर हो सकता है हमारे म्यूज़िक के साथ नहीं भी हो तो कुछ इवेंट आएगा बड़ा सा जिसमें हम लोग सारा म्यूज़िक से रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों का भी
हैकर टाइप का मेरा, उसे आप लोग को देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं तो भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आपको मैं बता दूँ, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। और आप लोगों को पता है आप लोग एक लाइक करोगे तो आप लोग एक एक मोटिवेशन हम लोग को मिलते रहता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। तो आप लोग आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट ये होने वाला, हमारा नेक्स्ट हम लोग का मतलब ये जो टोकन टावर होने वाला आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि लिखा है मेगा साइबर एंसेंशन, तो इसका मतलब है भाई टोकन टावर, जिसमें आप लोग यहाँ पर फ्लैक्स एंड मेगा साइबर का आप लोग ये बंडल देखने मिलेगा। साथ ही आप लोग को एम्बर मेगा साइबर का यहाँ पर एक फीमेल बंडल देखने मिलेगा, और उसके प्लस पॉइंट आप लोग को यहाँ पर लाइटनिंग का आई का फेस पेंट देखने मिलेगा, मतलब आप लोग का आई से वो जो लाइटनिंग वाला फेस पेंट रहता है वो आप लोग देखने मिलेगा। बात करें इसकी डेट का, तो ये आप लोग को 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का देखने मिलेगा। तो 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक इसका पूरा कन्फर्म डेट आप लोग देखने मिलेगा, और ये होने वाला टोकन टावर में, जैसे आप लोगों को मैं बता दिया। तो आप लोग भाई ये वाला बंडल निकालोगे या नहीं मुझे कमेंट से बताना, और आप लोग को ये बंडल कैसा लगा ये भी बात मुझे कमेंट से बताना। और बात है इसका रिव्यू का, तो भाई मैं इसका रिव्यू पहले ही करा चुका हूँ B30 अपडेट के बंडल्स के बारे में, और फिर भी आप लोगों को देखना है ये सारा बंडल कैसा है। तो अगर मैं हो पाया तो मैं आपको वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा, वीडियो बनाकर फिर से आप लोग रिव्यू करा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर से इसका वीडियो बना दूंगा। भाई होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।